मैं बिल्कुल भगवान को मानता हूं और मैं किसी बाबा की बुराई नहीं कर रहा हूं। मैं जो सच्चाई की कुछ बातें हैं उसे बता रहा हूं। इतना डरा दिया जाता है भगवान का नाम ले लेकर के कि आप यहां से बाहर चले जाओगे तो आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। कई बाबा ट्रेंडिंग में है जो भविष्य बताते हैं, कुछ लिख कर, कुछ पढ़ कर, कुछ भी। मेन काम क्या होता है, महिलाओं को जाते ही साथ ये बाबा बताते हैं, अरे तेरे घर में तो गंभीर दुख है, बहुत परेशानी है, बस दुनिया का सारा दुख तो तुझे ही है। तब महिलाओं को लगता है बाबा जी तो कि जितने भी ये आश्रम वाले और ये जो बाबा होते हैं इनका नेटवर्क बहुत स्ट्रांग होता है, एक से एक स्टॉक मार्केट है। चलो स्टॉक मार्केट में भविष्य बताओ ना भाई। खास बात ये है कि इन बाबाओं को कोई चैलेंज कर दे, कोई भी बंदा अगर चैलेंज कर दे तो वो शैतान हो जाता है, वो पापी हो जाता है। जनता ऐसे बिहेव करने लग जाती है, गाली गलौज करने लग जाती है, जैसे वाकई में उसने कुछ मर्डर, किसी का हाथ देख के बोल देंगे अरे बड़ा कष्ट है। कष्ट तो हर किसी को है, कोई भी खुशी नहीं है, चाहे करोड़पति हो। दरबार में लिख दिया भाई यूपी से रामलाल आया है, सर में दर्द रहता है, परिवार में चार आदमी है, कहानी खत्म हो गई। बाबा जाने मन की बात, जप नाम जप। हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आजकल आप न्यूज चैनल देख लीजिए, यूट्यूब देख लीजिए, कुछ भी देख लीजिए, उसमें एक चीज आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है, बाबा। बाबा बोले तो आश्रम वाले बाबा, बहुत तरह के बाबा, बाबा जाने मन की बात, जप नाम जप नाम, पूरा एक वेब सीरीज बन के आ गई लोगों को जागरूक करने के लिए। इससे पहले कई मूवियां भी आई हैं लेकिन फिर भी लोगों के जीवन पे कोई फर्क नहीं पड़ा है। मैं सबसे पहले एक बात क्लियर कर दूं कि जो बहुत ज्यादा भक्त हैं वो मेरे को ब्लेम ना करें, क्योंकि मैं किसी बाबा की बुराई नहीं कर रहा हूं। मैं जो सच बातें हैं उसके बारे में कुछ बात करूंगा। मैं किसी बाबा का नाम लेके बुराई नहीं कर रहा हूं, किसी माइंड रीडिंग वाले बाबा के बारे में नहीं कह रहा हूं, नहीं तो भक्त मुझे ही कोसना शुरू कर देंगे और मुझे ही एकदम शैतान बना देंगे कि ये आदमी भगवान को नहीं मानता। मैं बिल्कुल भगवान को मानता हूं और मैं किसी बाबा की बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं जो सच्चाई की कुछ बातें हैं उसे बता रहा हूं। तो ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि मैं कुछ दिन पहले एक बुजुर्ग आदमी से मिला जिन्होंने पूरा अपना जीवन लगा दिया किसी आश्रम के लिए या फिर किसी भी धाम के लिए, समझ लीजिए। और लास्ट में जब मैंने उनसे पूछा कि इसका कंक्लूजन बताइए, तो वो कहते हैं कि आश्रम में भगवान नहीं रहते, आश्रम में तो सिर्फ शैतान ही रहते हैं। जो एक बार चला गया वो गुलाम बन जाता है, उसे इतना डरा दिया जाता है भगवान का नाम ले लेकर के कि आप यहां से बाहर चले जाओगे तो आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी, और आदमी अपनी पूरी जिंदगी वहां पे डर में ही खत्म कर देता है। तो कुल मिला के बात ये निकली कि आश्रम वाश्रम में कहीं पे कुछ भगवान नहीं है। आजकल कई बाबा ट्रेंडिंग में है जो भविष्य बताते हैं, कुछ लिख कर, कुछ पढ़ कर, कुछ भी। तो इसके पीछे मैं आपको एक बात बता दूं कि मैक्सिमम इन बाबाओं के ट्रैप में फंसती हैं महिलाएं, आदमी बहुत ज्यादा नहीं फंसते, जो अनएजुकेटेड है वही फंसते हैं, बाकी महिलाएं बहुत जल्दी इन बाबाओं के ट्रैप में फंस जाती हैं। क्योंकि सबसे मेन कारण क्या होता है, महिलाओं को जाते ही साथ ये बाबा बताते हैं अरे तेरे घर में तो गंभीर दुख है, बहुत परेशानी है, बस दुनिया का सारा दुख तो तुझे ही है। तब महिलाओं को लगता है बाबा जी तो एकदम सही कह रहे हैं। अब किसी का पति अगर दारू पीता है, उस महिला को बता देंगे तुम अपने पति से बहुत परेशान रहती हो, महिला सोचेगी हाँ भाई पीपा के घर आता है और ये वाकई में परेशान रहती है। जबकि बात तो रियलिटी तो ये है कि आज की तारीख में 99% लोग ड्रिंक करते हैं, कोई किसी स्ट्रेस में, कोई इंजॉय में, तो ड्रिंक से महिलाएं कभी खुश नहीं होती। तो हर महिला को लगता है कि हाँ बाबा एकदम कति सही बता रहा है सिस्टम। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात देखिए, कोई अमीर हो या गरीब हो, पैसे से टेंशन हर किसी के घर में है, पारिवारिक जो कलह है वो हर किसी के घर में है, कहीं पे छोटी कलह है, कहीं पे बड़ी कलह है, लेकिन ऐसा कोई परिवार मेरे ख्याल से अछूता नहीं होगा हमारे भारत देश में जहां पे पारिवारिक कलह ना हो, चाहे छोटा परिवार हो चाहे बड़ा परिवार हो, कुछ ना कुछ कचर कह तो हर परिवार में होती रहती है। तो एक उसको टारगेट बनाते हैं बाबा। और कुछ जो आजकल सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया में मैंने डाल दिया मेरा नाम ये है, मेरे भाई का नाम, मैं अपनी पूरी फैमिली को उसमें ऐड कर देता हूँ, उससे पूरी सोशल मीडिया में उसकी डिटेल निकल जाती है बंदे की। और बाबा लोग में सबसे खतरनाक सिस्टम होता है कि जितने भी ये आश्रम वाले और ये जो बाबा होते हैं इनका नेटवर्क बहुत स्ट्रांग होता है। जब आप किसी धाम या कहीं आश्रम में जाने के लिए बस स्टॉप से उतरते हैं या बस की टिकट लेते हैं, तब से लेके पूरी आपके ऊपर मॉनिटरिंग की जाती है और किसी ना किसी रूप में आपसे बहला फुसला के पूछा जाता है। कहीं कोई मान लीजिए कोई लेडीज जा रही है तो कोई दूसरी लेडीज ने आके उससे पूछ लिया कि आप कहाँ से आए हो, आपको क्या परेशानी है, मैं तो यहां से आई हूं मुझे ये दिक्कत है, आपको क्या दिक्कत है, ऐसे पहला फुसला कि कहीं ना कहीं आपकी जानकारी आपसे ही ले ली जाती है और वो जाके कहीं ना कहीं शेयर हो जाती है। इनका नेटवर्क बहुत स्ट्रांग होता है और स्ट्रांग नेटवर्क की वजह से ये अपना जाल बहुत अच्छी तरह से फैला लेते हैं और लोगों को लगता है कि हाँ ये तो बहुत चमत्कारी है, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। अगर भविष्य बताने वाले इतने ही होशियार होते तो उन्हें कुर्सी लेके बैठने की क्या जरूरत है भाई, अपना भविष्य खुद ही तय कर लो। एक से एक स्टॉक मार्केट है, चलो स्टॉक मार्केट में भविष्य बताओ ना भाई। आज स्टॉक मार्केट कहाँ जाएगी आप पर्चे में लिख दो, या फिर आज स्टॉक मार्केट कहाँ जाएगी इसको आपको बताने की जरूरत नहीं किसी को, आप उसी हिसाब से इन्वेस्ट कर दो, आप करोड़ों अरबों एक दिन में कमा लो, क्या दिक्कत है। आप इतने ही भविष्य वक्ता हो, भविष्य के बारे में जानते हो, तो लोगों को पागल बनाने की क्या जरूरत है।
मैं किसी पर्टिकुलर बाबा का नाम नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बाबा ऐसे हैं जो आजकल बहुत ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। और खास बात यह है कि इन बाबाओं को कोई चैलेंज कर दे, कोई भी बंदा अगर चैलेंज कर दे तो वो शैतान हो जाता है, वो पापी हो जाता है। जनता ऐसे बिहेव करने लग जाती है, गाली गलौज करने लग जाती है जैसे वाकई में उसने कुछ मर्डर कर दिया हो। इसलिए मैंने पहले कहा कि मैं अपना पक्ष रख रहा हूँ। कोई बाद में, मुझे पता है बाद में इस वीडियो पे लोग ट्रोल करना शुरू कर देंगे कि बाबा के बारे में ऐसा बोल रहा है, तो मैं कॉमन प्रॉब्लम्स के बारे में बताया। कई महिलाओं को बाबा बोलते हैं कि भाई आपके घर में कलह है, आपके घर में ये है, आपके हस्बैंड गलत आचरण है, ये है। भाई सीधी सी बात है, जब आदमी बाहर से काम वाम करके आता है, थोड़ा सा परेशान होता है, थोड़ा स्ट्रेस में होता है, तो हो सकता है कभी बदतमीजी कर देता हो, कभी मुंह से कुछ निकल जाता हो, ठीक है, हर घरों में ऐसा कुछ चलता है। दूसरी बात, मैक्सिमम आदमी आजकल ड्रिंक करते हैं, 99% लोग ड्रिंक करते हैं, तो ड्रिंक से कोई भी महिला हो खुश नहीं होती, तो हर किसी के घर की यही प्रॉब्लम है। और बाबा इसे ही अपना जो ट्रैप करने का सिस्टम बना लेते हैं, और सबकी कॉमन प्रॉब्लम होती है। किसी का हाथ देख के बोल देंगे अरे बड़ा कष्ट है, कष्ट तो हर किसी को है, कोई भी खुशी नहीं है, चाहे करोड़पति हो चाहे गरीब हो, कोई अपनी जिंदगी में ये नहीं बोल सकता कि हाँ मैं एकदम 100% खुश हूँ। हर किसी को कुछ ना कुछ कष्ट है, गरीब है उसको छोटा कष्ट है, अमीर है उसको बहुत बड़ा कष्ट है, गरीब है उसे 100 रुपए 200 रुपए की पड़ी है, अमीर है उसे करोड़ों की पड़ी है, जो करोड़ों वाला है उसे अरबों की पड़ी है, बाकी खुश कोई नहीं अपनी जिंदगी में। और जो ये है ना, इसे ही बाबा अपने ट्रैप का सिस्टम बनाते हैं। जब हम कहीं जाते हैं, कहीं बाबा के पास जाएं, कहीं घूमने जाएं, कहीं भी जाएं, तो मान लीजिए हम किसी अनजान आदमी से दोस्ती कर लेते हैं, कोई अनजान आदमी मिल गया हमें, तो हमने पूछा भाई कहाँ से, उसने कहा भाई मैं यूपी से हूँ, मैं बिहार से हूँ, ठीक है, अच्छा भाई मैं हरियाणा से हूँ, ठीक है, बातचीत हो गई। हम धीरे धीरे क्या है, इतने हमारे भारतीय लोगों की संस्कृति ऐसी है कि हम धीरे धीरे अपनी सब बातें बता देते हैं उसे, मैं यहाँ से आया हूँ भाई, मैं तो बीमार रहता हूँ यार, मेरे को दिक्कत है, मेरे को सांस लेने में दिक्कत होती है, मेरे को ये दिक्कत है, मेरे सर में दर्द रहता है, इसलिए मैं फलाने बाबा के पास जा रहा हूँ, ठीक है, उसे पता चल गया, उसने भी अपनी बात हमें बता दी। अब हो सकता है मैं ही कोई बाबा का एजेंट हूँ, हो सकता है मैं बाबा के नेटवर्क में हूँ, कोई एजेंट हूँ, मैं पहले ही शेयर कर दूँ, एक बंदा आ रहा है यूपी से आ रहा है, रामलाल उसका नाम है, उसके सर में दर्द रहता है, ये सिस्टम है। बाबा को पता चल गया, जाते साथ दरबार में लिख दिया भाई यूपी से रामलाल आया है, सर में दर्द रहता है, परिवार में 4 आदमी है, कहानी खत्म हो गई। बाबा जाने मन की बात, जप नाम जप नाम, 4 भक्त जयकारे लगा देंगे, बस कहानी खत्म। तो देखिए, मैं नॉर्मल आप लोगों को समझाना चाहता हूँ कि आश्रम जैसी वेब सीरीज आ गई। आश्रम से पहले एक मूवी भी आई थी जिसमें परेश रावल था, और वो भूकंप आता है जिसमें दुकान टूट जाती है, भगवान के बारे में दिखाया गया है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भगवान नहीं है, मैं आपको बार बार यही बात कर रहा हूँ कि आप ब्लेम मत करिएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भगवान नहीं है, मैं कह रहा हूँ भगवान है, लेकिन भगवान को आप खुद पा सकते हो, कोई तीसरा आदमी भगवान के पास जाने का रास्ता नहीं बता सकता। अब मान लीजिए कोई पंडित बोले, कोई बाबा बोले कि आप यहाँ पे 500 रुपए चढ़ा दीजिए, मैं आपके नाम की आरती कर दूंगा, आपके नाम का जप कर दूंगा, आपके सारे संकट कट जाएंगे, ऐसा ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो सकता है क्या, ऐसा बताइए कि मेरे पाप जो है, कोई मैं अगर 500 रुपए चढ़ा दूं, कोई मेरे बदले में जाप कर दे तो उसके सारे पाप कट जाएं। तो ऐसे तो फिर जो बहुत सारे पापी हैं, जो मर्डरिस्ट हैं, वो 500-500 रुपए देके और कहीं भी जाप करवा लें किसी दूसरे से और सारे पाप खत्म हो जाएंगे। जो पाप किए हैं उसका भुगतान इसी जन्म में करना है, जब तक जिंदा रहेंगे, जिंदा रहते रहते करना है, चाहे घसट घसट के मरना पड़े आदमी को, जो बुरे कर्म किए हैं वो इसी जन्म में बराबर करके जाएगा। और मैं देखिए इन सब बाबाओं को नहीं मानता हूँ किसी को, हाँ भगवान को मैं बहुत ज्यादा मानता हूँ, ईश्वर है इस दुनिया पे, साक्षात है, लेकिन मैं ईश्वर को मिलाने वाले किसी आदमी को नहीं मानता कि हाँ मैं ईश्वर से आपको मिला दूंगा। ईश्वर से कोई नहीं मिला सकता, हमारा आचरण मिला सकता है, हमारा सेवा भाव हमें ईश्वर से मिला सकता है, कोई बाबा नहीं मिला सकता, ना ही कोई दरबार मिला सकता। दोस्तों मैं बहुत दिन से न्यूज में देख रहा था, यूट्यूब पे देख रहा था, चमत्कार देख रहा था, कोई किसी पत्रकार को डांट रहा है, कोई कुछ होता है सिस्टम, मैं बहुत कुछ देख रहा था, पर मैं सोचा कि एक वीडियो छोटी सी बना दूं, और हो सकता है आप लोगों को अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, ताकि कोई पागल ना बने, क्योंकि आज का जो जमाना है वो लोगों को पागल बनाने का है। और थोड़ा सा सतर्क रहिए, फालतू के अंधविश्वासों में जितना कम पड़ेंगे आपकी लाइफ उतनी अच्छी और स्मूथ चलेगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।